एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंकुशा पाटिल और आज के वीडियो में मैं बहुत ही जल्दी कुछ टिप्स देने वाली हूँ जस्ट बिफोर यू अटेम्प्ट योर कैट 2023। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, सिर्फ एक दिन 25th एंड योर डी डे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू ईट प्रॉपर फूड एंड टेक रेस्ट। जितनी भी प्रेपरेशन अब करनी थी दैट इज जस्ट डन, इट इज़ टाइम फॉर यू टू रिवाइज। रिवाइज कैसे करोगे? अब सबसे पहली बात, अगर VARC की बात करूँ तो रूल्स होते हैं पैरा जंबल्स इन सब के लिए। इवन VARC में अपना जो RC होता है उसको सॉल्व करने के बहुत सारे रूल्स होते हैं, तरीके होते हैं, तो रिवाइज दैट, मतलब व्हाट वर्क्ड फॉर यू इन द मॉक्स, राइट। फिर अगर DILR की बात करूँ तो यू हैव टू फाइंड आउट कि भाई अलग अलग सेट्स के लिए क्या क्या अप्रोचेस आपने अप्लाई की थी, तो उनको आप रिवाइज करिए। थर्ड QA के लिए यू कैन हैव अ फॉर्मूला बुक, जहाँ पे आप सारे के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर सकते हैं। फॉर्मूला बुक नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं तो होगा जहाँ आपने फॉर्मूलाज लिखे होंगे अलग अलग, शायद एक साथ नहीं लिखे होंगे, तो उनको प्लीज़ रिवाइज करिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यू डोंट हैव टू पैनिक राइट नाउ कि एग्जाम आ रहा है और प्रेशर लेना अभी से चालू कर दो, एंड सिर्फ पैनिक करने की वजह से अपना एग्जाम बिगाड़ लो। एंड ऑल्सो पैनिक करने का एक बहुत बड़ा रीज़न मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये होता है, क्योंकि उनका मॉक में स्कोर आ नहीं रहा होता है, उसके वजह से वो पैनिक करते हैं। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम प्लीज़ आप मॉक मत दीजिए, हो गया अभी जितना भी करना था, मॉक देने थे, प्रिपेयर करना था, स्ट्रैटेजी बनाना था, इट इज़ ऑल डन नाउ, नाउ टेक रेस्ट। थर्ड, गो एंड प्रिंट योर एडमिट कार्ड राइट नाउ। 24th है बट फिर भी अभी से प्रिंट करवा के रख लो, उसे अच्छी तरीके से पढ़ लो, कोई भी लास्ट मिनट हसल नहीं होना चाहिए। जब आपको पता है कि एडमिट कार्ड पे लिखा है कि किसी भी टाइप के ईयर रिंग्स हो गए हैं या बेल्ट हो गए, ऑल ऑफ दीज आर नॉट अलाउड, तो यू शुड नो अबाउट इट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एग्जाम सेंटर पे ऐसे ही पहुंच गए, वहाँ आपको बोल रहे हैं एंड देन यू आर शॉक्ड कि अच्छा ऐसा भी कुछ है। सो आई डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन टू यू, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप प्रिंट भी कर ले अपने एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड में जितनी भी डिटेल्स लिखी हुई हैं वो आप अच्छी तरीके से पढ़ें, और साथ में अगर कोई आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है तो वो भी अपने साथ लेके जाए। बट बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई स्टडी बस लेकर आ चुका है उनका पेन ड्राइव बैच फॉर कैट 2024 एस्पिरेंट्स। अब पेन ड्राइव बैच में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप पूरा का पूरा कोर्स अपने पेस पे कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब कि जब आपका मन करे आप तब पढ़ सकते हैं। सेकंड, अगर आप एक रिमोट जगह में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, अच्छी कोचिंग नहीं है, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू, बिकॉज इंटरनेट की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ प्लग इन करना है एंड एवरीथिंग विल बी देयर इन राइट इन फ्रंट ऑफ यू। एंड नॉट जस्ट दिस, यहाँ पे आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल ऑफ प्रेपरेशन पूरी की पूरी कराई जाएगी, आपको डाउट सॉल्विंग भी 24/7 कराई जाएगी। इन फैक्ट एडिंग टू दैट, आपको स्टडी मटेरियल भी पूरा दिया जाएगा, ई बुक्स मिलेंगी आपको, एंड देन कम्स प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज एंड प्रैक्टिस मटेरियल। सो ऑल ऑफ दिस विल बी कवर्ड, इन फैक्ट नॉट जस्ट कैट एग्जाम, कैट के अलावा जितने भी MBA के एग्जाम होते हैं वो भी कवर होंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? All the relevant links are there in the description below. Do check that out. And yes, let me tell you, उनका दिवाली ऑफर एक्सटेंड हो चुका है, इसीलिए अभी भी उनका पेन ड्राइव कोर्स इज अवेलेबल एट जस्ट ₹10,000. गो एंड चेक दैट आउट राइट नाउ। फोर्थ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रीच द टेस्ट सेंटर रियली अर्ली, एटलीस्ट 40-45 minutes अर्ली, ठीक है। अगर आप सिटी टू सिटी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप 25th को ही वहाँ पहुँच जाइए, एंड देन आप देख लीजिए कि आपका सेंटर जहाँ आप रह रहे हैं उससे कितना दूर है, एंड आपको कितने घंटे पहले निकलना पड़ेगा, सो दैट आप एग्जाम के 40-45 minutes पहले वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ऑल्सो इफ इट इज़ पॉसिबल टू प्लीज़ टेक समवन विद यू, चाहे आप सिटी टू सिटी ना ट्रैवल कर रहे हो, सेम सिटी में ट्रैवल कर रहे हो, बट स्टिल टेक अ फ्रेंड, टेक अ फैमिली मेम्बर, एनी वन विद यू। अकेले ड्राइव करके मत जाइए, लेट्स से गाड़ी पंचर हो गया, वॉट विल यू डू? सो प्लीज़ हैव समवन विद यू। नेक्स्ट, जब आप टेस्ट सेंटर पहुंच चुके हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको दूसरों को देख के आप पैनिक होना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आपकी प्रेपरेशन का या आपका दूसरों से कोई रिलेशनशिप नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइस, दिस एग्जाम इज नॉट जस्ट अ नॉलेज एग्जाम, इट इज योर प्रेशर टेस्ट, हाउ यू हैंडल प्रेशर। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट क्योंकि वो प्रेशर को सही तरीके से नहीं डील कर पाते हैं, दे आर अनेबल टू क्रैक दिस एग्जाम। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपना माइंडसेट जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छा रखें, पहले से प्रिपेयर्ड रहे दैट दिस इज गोइंग टू हैपन एंड आई एम गोना बी फाइन। नेक्स्ट इज, व्हाट इफ आप गए वहाँ पे एंड आपने देखा कि एक सेक्शन को ज़्यादा ही बाउंसर है, आपको नहीं समझ में आ रहा है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि वो सेक्शन बाउंसर सिर्फ आपके लिए नहीं है,
बाकी लोगों के लिए भी है। एंड यू नो कि कैट के एग्जाम में क्या होती है, स्केलिंग, और स्केलिंग होती है तो फर्क नहीं पड़ता अगर वो डिफिकल्ट है भी तो। इनफैक्ट इट इज, इट विल वर्क एज अ बेनिफिट फॉर यू। हाउ? क्योंकि पेपर डिफिकल्ट आया है, मोस्ट ऑफ द पीपल विल पैनिक एंड दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म जो परफॉर्म कर सकते थे। तो इस टाइम पे आपको बल्कि काम रहना है एंड देन यू हैव टू सर्च फॉर द राइट क्वेश्चंस टू सॉल्व। लास्टली वन थिंग विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर कैट एग्जाम इज टू हैव राइट स्टेट ऑफ माइंड। बहुत सारे लोगों को गाइज बहुत कुछ आता है बट क्योंकि वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते ना, वो अपना नॉलेज डिलीवर ही नहीं कर पाते हैं एग्जाम में। सो डोंट डू दैट। और किसी और के पेपर पर बिल्कुल भी नजर मत रखिए कि वो इतना लिख रहा है, इतना सॉल्व कर रहा है, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा। डज नॉट मैटर। एंड एक्यूरेसी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन सॉल्विंग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आई एम श्योर अगर आपने इनफ नंबर ऑफ मार्क्स दिए हैं तो आपने ये चीज़ ऑलरेडी रियलाइज कर ली होगी। गाइज बहुत ज़्यादा खेल आपके स्टेट ऑफ माइंड का है, प्लीज़ उसे बिल्कुल काम करिए, अपने आप को बताइए टू काम डाउन। एंड यू नो अगर एक सेक्शन अच्छा नहीं भी होता है तो उसका प्लीज़ जो है रिएक्शन सेकेंड सेक्शन में मत लेकर आइए, बिकॉज हो सकता है सेकेंड सेक्शन बहुत ज़्यादा ईजी हो बट क्योंकि आपका फर्स्ट सेक्शन अच्छा नहीं गया है उसका इम्पैक्ट इसमें आए एंड ये भी सेक्शन ख़राब हो जाए। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई एम श्योर कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। एंड विश यू ऑल द लक, ऑल द वेरी बेस्ट।